नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मे बी यूट्यूबर की एक और नई वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं होंडा सिटी का न्यू फेसलिफ्ट 2023 मॉडल। ये आपका टॉप मॉडल है ZX। बात करते हैं इसके फ्रंट फेस के बारे में। ये आपको 9 LED रिफ्लेक्टर बेस यूनिट मिल जाती है, DRL और LED इसी में मिल जाती हैं आपको। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाती है LED में। सामने नीचे की तरफ आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें ग्रिल मिल जाती है फ्रंट बम्पर की, काफ़ी स्पोर्टी लुक्स ऐड करती है ये ग्रिल। इसमें कार्बन फाइबर फिनिश में आपको इसमें ट्रीटमेंट दिया हुआ है। सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाता है। बोल्ड आपको क्रोम लाइन मिल जाती है। ये नीचे की तरफ आपको इंजन बॉडी कवर मिल जाता है इसका। 1500 CC का इंजन आता है इसमें। एक बार ये साइड से आप इसका फ्रंट फेस देखिए, काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर करती है। काफ़ी एयरोडायनेमिक कार है ये। 168 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है कार। ये कुछ इसका साइड प्रोफाइल से आप व्यू देख पा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन इसमें लेंथ मिल जाती है आपको 4549 mm की। 2600 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। ये आपको डायमंड कट में मल्टी स्पोक व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क मिलती हैं। 185/55 R16 का टायर प्रोफाइल मिल जाती है। इसमें फ्रंट में डिस्क मिलती है। रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। ये इसका आपको LED बेस मिरर मिल जाता है। ये आपको क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया इसमें विंडो ग्लास एरिया मिलता है आपको लेफ्ट। ये आपको इसमें पेट्रोल टैंक मिल जाता है 40 लीटर का। एक बार इसका पीछे से लुक चेक कीजिए, काफ़ी बेहतरीन और स्पोर्टी लुक आपको ऑफ़र करती है फ्रंट और रियर दोनों साइड से। काफ़ी बेहतरीन डिपार्चर एंगल मिल जाता है इसका रियर से। 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। ये इसकी LED लाइट्स मिल जाती हैं 3D में डिफ्यूज फॉर्म में। हैलोजन में आपको इंडिकेटर बल्ब मिल जाएंगे। सेंटर में होंडा का लोगो मिल जाएगा। सिटी की बैजिंग मिल जाएगी। ये आपकी LED लाइट्स मिल जाती हैं डिफ्यूज़ फॉर्म में और ये 3D शेप में आपको लाइट्स मिलेंगी। काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर करती हैं। रियर में स्पॉइलर भी इंटीग्रेटेड मिलता है इसमें आपको। IVTEC की बैजिंग मिल जाएगी। होंडा सिटी अब आपको पेट्रोल में ही ऑफर की जाती है। अब इसका शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। रियर डिफॉगर मिल जाते हैं। ये आपका रियर डिफ्यूज़र मिल जाता है। काफ़ी बेहतरीन स्पोर्टी लुक ऑफर करता है। कार्बन फाइबर फिनिश में मिल जाता है ये भी आपको। 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें। रियर कैमरा मिल जाता है। नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाती हैं। ये IVTEC की बैजिंग मिल जाती है इसमें। ये था कुछ इसका रियर प्रोफाइल। अब इसका राइट प्रोफाइल देख लेते हैं साइड से। काफ़ी स्पोर्टी और एरोडायनेमिक लुक ऑफर करती है आपको। काफ़ी सारी कट एंड क्रीजेस बॉडी में मिल जाती हैं आपको इसमें। ये कुछ इसका आप रियर से प्रोफाइल देख पा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन रोड प्रेजेंस ऑफर करती है आपको ये कार। सेफ्टी के सभी फीचर्स ऑफर करती है गाड़ी। 6 एयरबैग मिल जाते हैं। ABS, CVT, हिल होल्ड असिस्ट, लेन वॉच कैमरा भी मिल जाता है इसमें लेफ्ट साइड पर। ब्रेक असिस्ट भी ऑफर करती है कार। एडास भी इसमें आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है इस गाड़ी में। अभी आपका एडास फीचर्स के साथ आने लगी है। ये आप इसका राइट साइड से फ्रंट से व्यू देख पा रहे हैं। फ्रंट का इसका बम्पर काफ़ी स्पोर्टी लुक ऑफर कर रहा है आपको। ये आपको इसकी स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाती है। वेलकम फंक्शन के साथ मिरर मिल जाते हैं इसके, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड फंक्शन के साथ। ये इसकी डोर ट्रिम मिल जाती है बेज और ब्लैक कलर में। बेज कलर में आपको लेदर रैप्ड आपको इसमें आर्मरेस्ट मिल जाता है ड्राइवर साइड चारों विंडो पर। ये इसके पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये क्रोम में इसका डोर हैंडल ओपनर मिल जाता है। 1 लीटर बोतल स्पेस मिल जाता है। नीचे स्पीकर मिल जाता है। डोर पे ही आपको ट्विटर की बैजिंग प्लेसिंग मिल जाएगी। ये कुछ आप इसका इंटीरियर का लुक देख पा रहे हैं। बेज और ब्लैक कलर में काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर कर रहा है। ये इसके टायर प्रेशर
इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेदर अपॉलिस्ट्री मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया इसमें हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको फ्रंट पे, सनरूफ भी ऑफर करती है कार आपको। इसका मैं आपको एडास का कैमरा भी दिखा देता हूँ, फ्रंट में आगे ग्लास पर लगा हुआ है, ये एडास का कैमरा मिल जाता है आपको इसमें, एडास सेंसर भी यहीं पर इसका फिट हुआ हुआ है। ये कुछ इसको आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, नीट एंड क्लीन काफ़ी बेहतरीन डैशबोर्ड मिल जाता है, सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिल जाता है, राउंड शेप में आपको इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिल जाता है, इसकी मैनुअल सीट्स मिल जाती हैं हाइट और रीच एडजस्टेबल के साथ, स्टैंडर्ड पैडल मिल जाते हैं, ये इसके ट्रैक्शन ऑन ऑफ और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इल्यूमिनेशन के साथ, 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी ऑफर करती है ये कार। ये आपको इसकी कीस मिल जाती हैं, स्मार्ट की मिलेंगी दो आपको, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज के साथ। बैठते हैं अंदर की तरफ और चेक करते हैं अंदर का कंफर्ट और फीचर्स। ये इसका क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये आपको हैंडल पे ही इसके राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलते हैं, और ये क्रूज़ कंट्रोल के साथ इसमें लेन वॉच कीप असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सेंटर में होंडा का लोगो मिलेगा। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल आपको ट्रांसमिशन ऑफर करती है कार, CVT वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा इसमें। ये इसका आर्मरेस्ट मिल जाता है फिक्स, कुछ स्पेस मिल जाएगा आपको, लेदर रैप्ड आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, स्लाइडेबल नहीं मिलेगा ये। ये इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है स्टैंडर्ड, ये आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, कुछ स्पेस मिल जाएगा। ये इसका आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है स्मूथ टच के साथ, और साइड में इसके बटन्स मिल जाते हैं कंट्रोल्स के, इससे आप लेफ़्ट साइड लेन वॉच भी आप इसमें मिरर कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड मिरर पे आपके इसमें कैमरा लगा हुआ है, ब्लूटूथ एंड्रॉयड ऑटो एपर कार प्ले इसमें आपको कनेक्टेड कार फीचर भी मिल जाते हैं। ये इसके AC के टॉगल मिल जाते हैं विथ, आपको डिस्प्ले भी मिल जाती है AC की इसमें, ये आपको वुडन फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड के ऊपर, ग्लव बॉक्स के ऊपर आपको ये एयरबैग की बैजिंग मिल जाएगी, ये आपका ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है इसमें भी आपको, ऊपर लेदर ट्रीटमेंट मिल जाएगा और ये आपको वुडन का ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसमें, हॉरिजॉन्टल आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे इसके डिज़ाइन में, ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं आपको एडजस्टेबल, ये आपका सन होल्डर मिल जाता है विद वैनिटी मिरर, लाइट इसमें नहीं मिलेगी आपको। कार को ऑन कर लेते हैं, ये आपको लेफ्ट साइड में TFT डिस्प्ले मिल जाता है काफ़ी बड़ा, और राइट साइड पे एनालॉग में आपको टैको स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर आपको डिजिटल मिलेगा इसका, और ये आपका सेंटर में डिस्प्ले मिल जाती है इसमें MID जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, और आपको इसमें TPMS भी मिल जाता है जो आपका टायर प्रेशर मॉनिटर करता रहता है, लेन कीप असिस्ट भी आपको इसमें मिल जाता है कार में जो आपका सेंटर डिस्प्ले में आपको शो करता रहेगा। ये इसके क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन, ये इसका ब्राइटनेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, ये AC वेंट्स के टॉगल मिल जाते हैं राउंड शेप में, काफ़ी अच्छा AC का थ्रो मिल जाता है इसका, काफ़ी बढ़िया कूलिंग ऑफर करती है आपको कार, ऑटो AC मिल जाता है उसी के ऊपर, आपको काफ़ी बढ़िया लुक में इन डिस्प्ले दे रखी है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है AC का, नीचे आपको पावर आउटलेट मिल जाती हैं, USB कनेक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, स्पीडोमीटर काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है इसमें, एनालॉग प्लस डिजिटल ऑफर किया हुआ है आपको इसमें। अगर आपकी अच्छी खासी हाइट है तो आपको इसका बोनट भी विजिबल हो जाता है थोड़ा बहुत, ये इसके ब्राइटनेस के कंट्रोल मिलते हैं आपको राइट साइड पे, इस
से आप अपने स्पीडोमीटर की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है ये भी। 6 एयरबैग ऑफर करती है कार आपको। ये आपको ड्राइवर साइड वैनिटी मिल जाता है विथ मिरर। इसका ऑटो IRVM मिल जाता है आपको। ये आपको सनरूफ वन टच ओपन मिल जाती है। वन टच ओपन एंड वन टच क्लोज में आपको सनरूफ मिल जाती है। ठीक ठाक स्पेस के साथ आपको सनरूफ मिलती है इसकी। जिससे एक समय पर एक अडल्ट आराम से इसमें बाहर निकल सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको माइक भी मिल जाता है इसमें। काफ़ी बढ़िया ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक के साथ आपको LED लाइट मिल जाती हैं कैबिन में। काफ़ी अच्छा लुक ऑफर करती हैं ये। काफ़ी प्रीमियम आपकी ये सेडान कार है जो कि आपकी वरना और मारुति की सियाज को कम्पीट करती है। काफ़ी बढ़िया इसकी लेंथ होने के कारण इसमें स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है आपको। ये इसमें एडास का सिस्टम मिल जाता है IRVM के पीछे पूरा। तो ये था कुछ इसका फ्रंट सीट्स का ओवरव्यू। चलते हैं पीछे की तरफ, चेक करते हैं पीछे सीट्स का कंफर्ट। एंटी पिंच के साथ इसकी पावर विंडो आती हैं। क्रोम के डोर हैंडल मिलते हैं चारों डोर्स पर आपको। रियर में भी आपको बेज और ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाती है डोर पर। पावर डोर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। ये आपको 1 लीटर बोतल स्पेस मिलेगा। ट्विटर मिल जाता है गेट पर भी रियर में, और स्पीकर भी मिल जाता है। ये आपको इसकी रियर सीट्स मिल जाती हैं लेदर अपॉलिस्ट्री के साथ। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं ये। हेडरेस्ट आपको इसमें फिक्स मिलेंगे। आर्म रेस्ट भी मिल जाता है सेंटर में आपको विद कप होल्डर। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ इसकी सीट्स आती हैं। तीनों सीट्स बेल्ट्स मिलेंगी आपको रियर में भी। ये कुछ आप इसमें स्पेस देख पा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। ये आपको सीट्स में पॉकेट्स मिल जाती हैं। ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देख पा रहे हैं पीछे से। काफ़ी प्यारा लुक ऑफर करती है। इंटीरियर काफ़ी इसका एरी लगता है, काफ़ी एरी कैबिन, क्योंकि आपको इसमें ब्लैक और बेज कलर का इंटीरियर मिलता है। रियर में भी आपको बहुत ही बेहतरीन टच के साथ आपको रियल लाइट्स मिल जाती हैं सेंटर की। ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं आपको। ये इसका हेडरेस्ट मिल जाता है। सेंटर में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलेगा। ये 2 कप होल्डर के साथ हेडरेस्ट मिलता है। काफ़ी अच्छी खासी चौड़ाई है इस कार की। 1748 mm की विड्थ मिलती है, जिससे अंदर का स्पेस काफ़ी बेहतरीन मिलता है इस कार में। पीछे आपको सनशेड मिल जाती है रियर ग्लास पे। हेडरूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि इसकी सीट का रिक्लाइन एंगल काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है कंपनी ने। ये आपको राइट साइड पे कोट हुक के साथ आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको पावर आउटलेट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सिल्वर सराउंडिंग मिलती है। 2 पावर आउटलेट मिल जाते हैं आपको 12-12 वोल्ट के रियर पैसेंजर्स के यूज़ के लिए। काफ़ी बेहतरीन स्पेस ऑफर करती है। साइड में आपको कुशनिंग मिल जाती है पिलर्स पे, जो कि लॉन्ग राइड्स पे काफ़ी बेहतरीन आपको सीट कंफर्टेबल ऑफर करती है। काफ़ी बढ़िया सीट कंफर्ट मिलता है इस कार में। होंडा सिटी अपने कंफर्ट और अपने रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। काफ़ी बेहतरीन इंजन ऑफर करती है ये कार। आपको कोई भी नॉइस नहीं मिलेगी इसके इंजन में। एक बार इसकी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। लाइट्स ऑन करके आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं। काफ़ी बेहतरीन आपको लाइट ऑफर की गई है इसमें। ये काफ़ी बेहतरीन आपको LED टेल लाइट सेटअप मिल जाता है। ये आप देख पा रहे हैं पास से, काफ़ी बढ़िया डिफ्यूज फॉर्म में आपको LED लाइट मिल जाती है। बल्ब बेस आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। पार्किंग लैंप भी इसी में मिल जाता है आपको। एक बार इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। काफ़ी बेहतरीन इसका 506 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑफर करती है कार। काफ़ी वेल सर्टन और वेल इसका मेंटेन आपको बूट मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया कवरिंग की हुई है कारी में।
कि आपको स्पेयर टायर मिल जाता है नीचे की तरफ, और इसमें भी आपको स्पेस मिल जाता है 175/65R15 सेक्शन का आपको टायर मिलता है इसका, जो कि एक साइज़ छोटा है आपका, और स्टील रिम में मिलेगा आपको। वेल कुशनिंग आपको बूट मिल जाता है इसमें, काफ़ी बढ़िया से कवर किया हुआ है। बूट को आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आप इसका लुक देखिए, काफ़ी बेहतरीन लाइट्स थ्रो आ रहा है इसका, काफ़ी बढ़िया लाइट लग रही है इसकी। ये मिरर पे इंडिकेटर भी एकदम स्ट्रिप टाइप में काफ़ी बेहतरीन लुक ऑफर कर रहा है। फ्रंट की आप लाइट चेक कीजिए, वाइट LED सेटअप मिलता है पूरा आपको, जिसमें आपको 3 हाई बीम और 6 लो बीम के यूनिट मिल जाती हैं LED रिफ्लेक्टर बेस में। ऊपर की तरफ आपको DRL और नीचे आपको मैट्रिक्स इंडिकेटर मिल जाती है। ये कुछ आप इसका फ्रंट फेस देख पा रहे हैं, काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी एग्रेसिव इसका फ्रंट फेस ऑफर किया गया है। काफ़ी पावरफुल इसमें हेडलाइट सेटअप मिलता है आपको, 3 इसमें हाई बीम और आपकी 6 इसमें लो बीम की लाइट्स ऑफर की गई हैं। काफ़ी बेहतरीन LED लाइट सेटअप मिलता है इसका। व्हील बेस इसमें आपको 2600 mm का मिल जाता है। टर्निंग रेडियस इसका 5.3 मीटर का मिल जाएगा आपको। कर्व वेट इसका 1107 से 1217 kg तक रहता है। ग्रॉस वेट इसका 1592 kg है पूरी कार का। 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो आपका 18 से 20 का माइलेज ऑफर करता है। ये इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर मिल जाते हैं, और हेडलैम्प वाली यूनिट पे आपको लेन वॉच असिस्ट का स्विच भी दिया हुआ है, जिसे आप लेफ़्ट साइड का कैमरा के थ्रू आप अपना लेफ़्ट साइड का व्यू देख पाते हैं अपनी इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन पर। इसके इंजन को स्टार्ट करके मैं आपको इसका रियर कैमरा दिखाता हूँ एक बार। ये आप इसका रियर कैमरे का व्यू देख पा रहे हैं। ये इसमें आपको पहले की तरह 3 व्यूज़ मिल जाते हैं रियर कैमरे के, वाइड, अल्ट्रा वाइड और पास का व्यू मिल जाता है। कैमरे क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाती है। कार को ऑफ कर देते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है ये, काफ़ी सारे आपको इसमें इसी तरीके के बेहतरीन फीचर मिल जाते हैं। 14.5 लाख शोरूम इसकी कीमत है, जो आपको 17 लाख तक ऑन रोड ये वाला मॉडल पर्टिकुलर वेरिएंट आपको मिल जाता है। ये आपका ZX 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। फ़िलहाल हम खड़े हैं होंडा शोरूम हरिद्वार उत्तराखंड में। शोरूम की डिटेल और कॉन्टेक्ट पर्सन का डिटेल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कार की सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, डिसलाइक भी करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।